बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम न्यू डिश जिसे बनाना बहुत ही ईजी है अगर आप मेरे स्टेप्स फॉलो करें। तो आज हम बनाएंगे आलू कोफ्ते जो कि हम बीफ में बनाएंगे और होममेड मसालों के साथ। ये वीडियो काफ़ी डिटेल है इसलिए आप एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा। सारे मसाले लेंगे 2 टेबलस्पून चने, 2 टेबलस्पून नमक, लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टेबलस्पून खोपरा पिसा हुआ, 2 टेबलस्पून खसखस, 2 टेबलस्पून गरम पिसा हुआ मसाला, 1/2 टेबलस्पून काजू बादाम पिसे हुए, 2 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, 2 टेबलस्पून। हम ब्लेंडर में चने ऐड करेंगे, खसखस ऐड करेंगे, चावल लेंगे 2 टेबलस्पून जिसे हमने पहले से सोक कर दिया था 2 से 3 घंटे पहले। जो सारे मसाले मैंने आपको बताए थे अब हम वो एक के बाद एक ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। यहाँ हमारा पेस्ट बन गया है। 3 पाव कीमा लेंगे मोटी मशीन का, 1 प्याज और हरी मिर्चें 3 उसमें ऐड करवा देंगे कसाई से ही और कीमा निकलवा लेंगे। थोड़ा थोड़ा कीमा ऐड करेंगे चॉपर में और इसे बारीक पीस लेंगे। साथ ही साथ जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो भी हम डालते रहेंगे हाफ हाफ करके ताकि अच्छे से सारा मसाला कीमे में मिक्स हो जाए। और हमें इसे इतना पीसना है ये बिल्कुल बारीक रेशे जैसा हो जाए, बिल्कुल मलाई। आधी गड्डी हम हरे धनिए की लेंगे चॉप करके और थोड़ी थोड़ी ऐड करते रहेंगे। हरी मिर्चें लेंगे कटी हुई 2 टेबलस्पून या जितनी आपकी मर्जी हो, इसे भी साथ साथ चॉपर में चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएँ और चॉप हो जाएँ सारे मसाले कबाब में। 10 से 15 मिनट लगे थे चॉप करने में, उसके बाद 30 से 45 मिनट हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाएं। अब हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। एक बड़े साइज़ का पतीला लेंगे, 2 कप ऑयल लेंगे यानी कि तेल, 1 पाव प्याज लेंगे जिसे मैंने बारीक काट लिया था। अभी हम इसे ब्राउन कर लेंगे, अच्छे से ब्राउन कर लेंगे हम इसे। ब्राउन करने के बाद हम इसे कूट लेंगे या ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे और इसका भी अच्छे से हम पेस्ट बना लेंगे। प्याज ब्राउन होने के बाद 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और उसे भी अच्छे से भून लेंगे। 1 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। किसी भी ब्रांड का कोरमे का मसाला 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को इतना भूनेंगे कि तेल ऊपर आ जाए। मसाला भुन जाने के बाद 1 प्याली हम दही लेंगे जिसे हम पहले से फेंट लेंगे। गोल्डन जो प्याज की थी उसका पेस्ट ऐड करेंगे, इससे बिल्कुल दानेदार कोरमा तैयार होगा। जब आप दही ऐड करें तो उसे पहले अच्छे से फेंट लें वरना दही फटा फटा आएगा कोरमे में। अब इसे अच्छे से भून लें मसाले को। मसाला भुन जाने के बाद 1 किलो आलू ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। छोटी मिर्ची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, 4 से 5 छोटी इलायची ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत ही अच्छी स्मेल आ जाएगी। अब हम 2.5 गिलास पानी ऐड करेंगे ताकि आलू अच्छे से गल जाएं और अब हम इसे कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक कोरमा रेडी हो रहा है हम अपने कोफ्ते रेडी कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून हम कीमा उठाएंगे, राइट लेफ्ट करते रहेंगे, बॉल बनाने की कोशिश करेंगे और फिर राइट लेफ्ट करते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल राउंड शेप में आ जाए। ये बहुत ही इजी है, अगर आपसे ना बने तो आप ऑयल या पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हमने रेफ्रिजरेटर में रखा था तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ना मैंने इस्तेमाल करे थे। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, रेफ्रिजरेटर में रखने की वजह से ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं। पाव कीमे में 23 से 25 कबाब बने थे हमारे। अब हम ग्रेवी चेक कर लेते हैं, छुरी की नोक से आलू चेक करेंगे कि गल गए हैं। 90% कुक होने के बाद हम इसे साइड पर कर देंगे, इसे लास्ट में निकाल लेना है। अब हम आराम आराम से अपने कोफ्ते ऐड करते जाएंगे। चूल्हे का फ्लेम हम इसमें हल्का कर देंगे ताकि सालन जले नहीं। आप चम्मच की मदद से भी सालन में डाल सकते हैं। 2 कप पानी ऐड करेंगे और चूल्हे की आंच तेज़ कर देंगे, 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। कवर हटाएंगे और डिश को हिलाएंगे, चम्मच बिल्कुल भी मत डालिएगा वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। छुरी की नोक से हम कबाब चेक करेंगे कि ये गल गए हैं या नहीं, ये बिल्कुल ही गल गए थे।
ढाई कप हम पानी ऐड करेंगे। आलू जो साइड करे थे वो भी ऐड कर देंगे। एक कप मैंने पहले ऐड किया था, एक कप मैं अब ऐड कर रही हूँ। इसे बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, पतीली को जस्ट इसी तरह से हिलाएंगे जैसे मैंने हिलाया है, वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। हाई फ्लेम पर कर देंगे। देखें ये सारी चीज़ें एकदम मिक्स हो जाएंगी और गल जाएंगी। अब हम चेक करेंगे साइड पर छुरी की नोक से ही। आधी गड्ढी हम धनिए की ऐड करेंगे चॉप की हुई। हाफ कप पानी ऐड और करेंगे। टीस्पून केवड़ा ऐड करेंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे 5 मिनट के ढक देंगे और डिश आउट कर लेंगे। लीजिए मज़ेदार से देगी आलू कोफ्ते तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।